वेल बिल्ट है जी, वेल इंटीग्रेटेड है, वाकई सस्टेनेबल है और वेल लिट भी है और फील गुड फैक्टर है थ्रू आउट एंड लॉट्स ऑफ कलर, विजुअली बैलेंस्ड, ठीक है, एंड वेल वेंटिलेटेड एंड कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेरे ख्याल में जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्लेस हो एक दूसरे से, हर चीज़ एक तरह से कहीं ठहराव है इसमें, जो कि हमें भी पिछले 3-4 दिन में ही समझ आई है। बहुत मुश्किल सवाल है, मैं तो कीड़ा कह सकता हूँ क्योंकि एक उगा था वो इस तरह का कीड़ा और वो समय पूरा हो गया उम्मीद के करीब। कीड़ा मतलब उसके बगैर भी जिंदगी चलती थी, ये ना भी होता तो, पर आप कीड़ा समझ लें, वो मरता नहीं है मेरे ख्याल में, वो होता है उसके बगैर कम से कम मेरे जैसा इंसान तो नहीं चलता, कीड़ा कह सकते। इस घर में ना जी, जो इंडस्ट्री के बेस्ट समझें या वन ऑफ द बेस्ट समझें, जिनके साथ हमारी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं, हमने उनके साथ सबके साथ काम किया। एक चीज़ होती है कि कोई किसी चीज़ को आके रखते या कर ले, एक होता है चीज़ों को प्रीएम्प्ट करना, वो सिर्फ मंझे हुए लोग जो जिनको इतना एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज़ का, वो उसको कर पाते हैं। तो हमारे इसमें कोई 34 इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, जिस तरह खिड़कियाँ भी होंगी या फर्नीचर भी होगा या वुड वर्क भी होगा, और उसकी वजह ये है कि जहाँ हम फेल करते हैं, ठीक है, हम तो लाइंस लगाते हैं जी, हम एक चीज़ को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ हम फेल करते हैं तो जो उस्ताद होगा वो हमें या रोकेगा या पहले समझाएगा या पहले प्रीएम्प्ट करेगा। तो उनकी बहुत ज़्यादा नॉलेज की कंट्रीब्यूशन है, एक्नॉलेज भी होनी चाहिए, हम करते भी रहेंगे कि जब अगेन आप वाला जो सवाल था कि कैसे घर बनाना चाहिए, तो जिस तरह हम डॉक्टर ढूंढते हैं अपने मर्ज के लिए या बुरे वक्त में वकील ढूंढते हैं या कुछ, तो जो घर होता है वो इन सारे जो प्रोफेशन से 10-12-20-50 गुना पैसे ले जाता है, आपकी ज़िंदगी की पूंजी पर जाता है। तो बहुत केयरफुली चूज़ करना चाहिए कि कौन आपका घर डिज़ाइन करेगा या करेगी और कौन से लोगों से आपने काम कराना है, उनको आपने वो मुआवजा भी देना है जायज़, और उनसे उनका बेस्ट भी निकलवाना है। ये हमें ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, हमारा थोड़ा सा उल्टा है कि हम ज़मीन 34 करोड़ की लेंगे लेकिन जिस जो बनाना जाएगा उसकी जान निकाल देंगे, बेशक वो आर्किटेक्ट्स की फ़ी हो, बेशक क्राफ्ट्समैन के पैसे हो, रॉन्ग, ठीक है। उसको उस सोच को हमने बदलना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट वो ज़मीन नहीं है फेस फाइव, आपकी इन्वेस्टमेंट जो उसके ऊपर चीज़ है और उससे आप जिस किस्म का प्लेजर ड्राइव करते हैं, ठीक है, ऐसा आपकी औलाद है, उसको मुल्क से बाहर पढ़ाना वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो औलाद के अंदर उनकी अपनी एक्सपोजर उजागर करती है कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं। इस तरह घर होता है, ठीक है, तो वो ज़रूरी है कि जिसको आप यूज़ करें, जो आपके वेंडर्स हैं, वो भी उस एक्सेलेंस में बिलीव करते हों जिसमें आप हमें करना चाहिए। I'm Sana and I specialize in sustainable and environmental architecture. I got involved into this project at a bit later stage and the aim was to integrate architectural and engineering aspects to achieve platinum certified rating from Green Building Council of Pakistan. Pakistan Green Building Council ji World Green Building Council ki local representative body hai aur hum log certification tools develop karte hain for residential and commercial buildings. तो आज जो है आई एम इन फ्रंट ऑफ
one of the most energy efficient residential projects which we have certified. This is the first platinum home, seed platinum rated home in the country. And iske andar jo green building, how we define it is that a green building is ke aapne passively apni building ko kaise green kiya aur uske baad active systems usme kis tarah se integrate kiye hain. तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस घर की वो ये है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो आर्किटेक्चरल टीम है उन्होंने बिल्डिंग की ओरिएंटेशन के हवाले से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हवाले से बिल्डिंग के अंदर वॉल्स और विंडोज़ को जो है वो उस तरह से प्लेस किया, उसकी स्पेसिफिकेशन वॉल असेंबली और विंडो असेंबली को इस तरह से इंटीग्रेट किया ओवरऑल डिज़ाइन में कि पैसिवली ही हम जो है इस बिल्डिंग के अंदर हमने ऑलमोस्ट 25-30% जो है वो हमने सेविंग अचीव की है. और इसके अलावा रूफ़ के ऊपर भी इंसुलेशन है क्योंकि रूफ़ के ऊपर आपके 60% हीट गेन जो है वो रूफ़ से होता है. तो इस बिल्डिंग के अंदर अगर आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाएं और एक्सपीरियंस करें तो आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप ग्राउंड फ्लोर के जिस तरह थर्मल कम्फर्ट को एक्सपीरियंस करते हैं. तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट और दैट वॉज़ द फर्स्ट पार्ट, द पैसिव डिज़ाइन पार्ट. एंड देन फर्दर इसके अंदर फिर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करके इसमें फर्दर सेविंग की गई है. तो ओवरऑल ऑलमोस्ट 45% ये एनर्जी एफिशिएंट है घर. और ऑटोमेशन के थ्रू, एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग एंड लाइटिंग के थ्रू, और फिर पावरिंग इट थ्रू सोलर पैनल्स. सो इस सब को मिला के जो है वी बीन एबल टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन सब्सटेंशली. फिर वाटर एफिशेंसी के ऊपर इस पर काफ़ी काम हुआ है. अगर आप इसको गूगल अर्थ से देखें इसके रूफ टॉप को तो यू विल सी के ऑलमोस्ट 40% एरिया जो है वो ग्रीन है क्योंकि छत पे रूफ गार्डन है, वेजिटेबल्स वगैरह ये अपनी खुद ग्रो कर रहे हैं. तो इन सारी चीज़ों को क्वांटिफाई करना जो है दैट इज़ व्हाट वी डू. हमारा जो रेटिंग सिस्टम है वो इन सारी चीज़ों की, लोग बहुत सारे आर्किटेक्ट से सारा काम कर रहे होते हैं बट दे कैन नॉट सब्सटेंशिएट के उन्होंने ये सारा काम करके कितनी एनर्जी सेविंग और वाटर सेविंग की है. सो आर रेटिंग टूल इज़ दैट टूल विच हेल्प आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स टू डू समथिंग विच इज़ सब्सटेंशियल एंड क्वांटिफाइबल. तो इस प्रोजेक्ट में जो है वी कैन सी एंड दैट्स वाई यू नो इट वॉज अवॉर्डेड सीड प्लैटिनम रेटिंग एंड इट्स द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन द कंट्री विच हैव अचीव दैट. So I congratulate the architectural team and the engineering team for this achievement and thank you so much. आइए हम घर के जो मुख्तलिफ कमरे हैं उनको गौर से देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. ये हमारी मेन लिविंग स्पेस है. आप इसको ड्राॅइंग रूम कह सकते हैं या फॉर्मल लिविंग स्पेस कह सकते हैं. इसमें दो सीटिंग्स हैं बट आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको डाइनिंग कर लें, उसको ड्राइंग कर लें अगर आपकी रिक्वायरमेंट उस तरह से. ऑब्जेक्टिव इसके कलर्स और मटेरियल चूज़ करने का यह है कि हमें मैक्सिमम लाइट चाहिए यहाँ. तो हमने खिड़कियाँ, सीलिंग्स, हर चीज़ 9 फुट पे रखी है. जो लाइट आती है वो भी मैक्सिमाइज्ड है. जो बाउंस लाइट आती है साउथ की और ईस्ट की और शाम तक वेस्ट की, इसमें थ्रू आउट द डे लाइट आती है. ठीक है. स्लाइडिंग पैनल्स हैं, ये भी 9 फुट पे हैं, स्टील के हैं, कस्टमाइज्ड हैं. ये भी खुल जाते हैं तो जब कोई पार्टी है या कोई एंटरटेनमेंट है तो ये फ्लो करता है. एयर कंडीशनिंग हिडन है इन लूवर्स के पीछे. और आप अगर जनरल कलर पैलेट देखेंगे तो ये सफ़ेद, काला और टीक के कलर की है. सेफ कलर्स, क्लासिक कलर्स, फर्श टीक का, हेरिंग बोन का है. इसके साथ हर चीज़ बड़ी कंफर्टेबली कंबाइन होती है. अगर आप कलर्स देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटल है. ये एक पेंटिंग से इंस्पायर्ड कारपेट है, एसन साहब ने हमें दिया. और उसी तरह से इनके कलर्स पिक करके सोफ़ाज हैं, ब्लूज़ हैं, ब्राउन्स हैं, पिंक्स हैं, और वही फिर कैरी थ्रू करते हैं पूरे ड्राइंग रूम में. बट एज एन आर्किटेक्चुरल स्पेस ये भी व्यू फ्रेम्ड है लैंडस्केप का, सामने वाला भी फ्रेम्ड है. और इस तरफ जब हम सीढ़ियों की तरफ जाते हैं तो वही पैलेट कंटिन्यू करती है ऑफ वाइट्स एंड वुड
एंड ब्लैक। ये राशिद ने जब प्रोजेक्ट शुरू किया फ्यू इयर्स बैक तो ही टॉस्ट अप द आइडिया विद मी कि यार इसको वी नीड टू मेक इट अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। फर्स्ट थिंग ही हैड इन माइंड कि यार इट शुड बी अ ग्रीन हाउस, इट शुड बी एन एनर्जी एफिशिएंट हाउस। सेकेंडली इसे कि यार व्हाट ही हैज़ इन माइंड इज़ कि यार ये इट शुड बी डिफरेंट इन द सेंस के यू नो इट शुड बी वेल थॉट ऑफ, वेल प्लान्ड, थोड़ी सी इनोवेशन भी इसके अंदर आए, वी नीड टू एक्सपेरिमेंट। जो एंड ही ऑल्सो सजेस्टेड कि यार आई वुड लाइक के डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग इसमें एज अपना यू नो पार्ट प्ले करें, इफ़ दे वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट समथिंग, दे वॉन्ट टू ब्रिंग इन और दे वॉन्ट टू शो केस समथिंग न्यू, दिस शुड बी द प्लेटफॉर्म यू नो, and it should be something which the consumers or the house owners who are looking or who is building a new house should look at ke yaar this is something you know things differently kaise bhi ki ja sakti hain. To is ghar ki jo furniture selection hai wo bhi bahut carefully ki gayi hai kyunki if you look at the house the walls are very basic white, the floors are normally जनरली जो है सीमेंट के हैं या यू नो वुड इस्तेमाल की गई है। सो व्हाट वी हैव सेलेक्टेड फॉर दिस हाउस इज मोस्टली द अर्दी टोन्स एंड द विजुअली व्हेन यू सिट एट एनी ऑफ द पॉइंट इन द हाउस यू हैव अ वेरी द विजुअल्स आर वेरी ग्रीन, सो इट कॉम्प्लीमेंट्स द अर्दी टोन्स इनसाइड द हाउस, द बेजेस कॉम्प्लीमेंट्स द ग्रीन आउटसाइड, सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेल डन माशाल्लाह। ये हमारी एंट्रेंस लॉबी है जी, जो घर में एक टाइल है कंक्रीट ग्रे वो थ्रू आउट फ्लो करती है और जो ये स्लाइडिंग पैनल्स हैं ये भी यहाँ इस तरफ ओपनेबल हैं। सीढ़ियाँ सेम टीक एंड पाउडर रूम जो है वो इसके नीचे है, तो कोशिश ये की गई है कि पाउडर रूम थोड़ा टक्ड अवे रहे इस जगह पे और सीढ़ियों को हमने इंटेंशनली जो इसका जो रेलिंग है बैलस्ट्रेड है इसको सॉलिड वाइट में रखा है बिकॉज इसके नीचे स्टोरेज है। हर घर में एंट्रेंस के बाद एक गोल्फ बैग्स के लिए, बच्चों के बैग्स के लिए, जूतों के लिए स्टोरेज की ज़रूरत होती है, तो वो सीढ़ी के नीचे क्रिएट हुई हुई है। अगेन पैलेट यही है कॉन्क्रीट बो टेक्स्चर्ड वॉल वाइट एंड वुड और वही ग्रे जो है आपको फर्श में भी दिखेगा। इसी तरह जो हमारी छत है ये लोकल शीशम में है। फ्रेमवर्क सारा येलो पाइन का किया हुआ है, उसके बाद जो ऊपर फिनिश जो नज़र आ रही है इसके अंदर MDF है, MDF के ऊपर शीशम का विनियर जो होता है 0.6 का वो पेस्ट किया गया ताकि लकड़ी हमारे पास शीशम इतनी ज़्यादा नहीं है उसका विनियर बना के इसको पेस्ट किया गया ताकि लकड़ी की कुछ बचत हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का वक्त मिल जाए। जो दरवाजे के अंदर फ्रेमवर्क है वो सारा सॉफ्टवुड का है, उसके अंदर मेटल भी डाला गया ताकि वो टेढ़ा ना हो। फिर उसके बाद जो इसके ऊपर MDF लेके तो विनियर जो है उसका रोज़वुड का बड़ा दिल की वुड है ये, उसका विनियर है 0.6 का वो पेस्ट किया गया और जो इसके ग्रूव हैं जो नज़र आ रहे हैं उसके अंदर भी सॉलिड वुड ही डाली गई ताकि अंदर से भी वो लकड़ी ही नज़र आए। अगर इसके अंदर जो बेस है इसकी वो MDF की है उसके ऊपर सारा कुछ किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो बेसिक चैलेंज था वो था हमारा डोर्स का, डोर्स की हाइट एक स्पेशल साइज़ जो स्पेसिफिक साइज़ होता है उससे ज़्यादा थी और इसको तकरीबन 9 फुट से थोड़ा ज़्यादा है और इसको कंट्रोल करना एक सबसे बड़ा मुश्किल था। इसमें इसके टेढ़े होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे जिसकी वजह से हमने इसमें मेटल यूज़ किया प्रॉपर, इसको जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए वो सारा कुछ किया गया और फिर इसके अलावा इसकी साउंड प्रूफिंग का भी बहुत बड़ा इशू था, उसके लिए भी हमने इसमें स्पेशली डोर सील यूज़ की और इसके ऊपर जो इसके डोर के साथ फ्रेम चल रहा होता है उसका हमारा फ्रेम जो था वो कंप्लीट यानी 3-साइडेड नहीं था, ऊपर वाली साइड पे हमारा फ्रेम नहीं था इसलिए हमने उसमें भी थोड़ी सी फेस करनी पड़ी
और सीलिंग को हमें एक्सटेंड करके आगे तक लेके जाना पड़ा ताकि डोर्स के ऊपर वाली साइड का फ्रेम ना नज़र आए और वही सीलिंग का पैटर्न डाउन चलता है। वो एक मुश्किल जो था ना, वो चैलेंज था जिसको हमने बड़ी तगदो के बाद जो है वो हासिल किया। जितनी डिज़ाइनर के लिहाज से जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो ये सीलिंग ऐसे चल रही है, पूरे घर में घूम रही है, तो किसी जगह कमजोरी नज़र नहीं आ रही। My name is Arslan. I represent Heli Architectural Lighting. Our basic scope of work is lighting design, supply and implementation phase. It has been a consultative process. इसमें पहले हम we have regular meetings with the architect, lighting design के ऊपर and then fixtures की selection के ऊपर. So we had to come up with a fixture that is very clean, minimalist किस्म की look हो, तो there is a deep recessed downlights जो कि हमने suggest bhi ki and they were the ones that were approved and also given a go ahead to us. In lights ki specifically khas baat ye hai ke the light source is very deep recessed, so light source nazar nahi aata aur glare nahi hota and the general effect of light is soft and good. Aur bezel jo hai iska, as you can see, bezel lights up, but aapko us tarah jo aam lights mein nazar aata hai glare aur bahut zyada source nazar aati wo nahi hai. Apart from that, as you can see in this room as well, so they are the general downlights jo ke give a general lighting downwards, and then because they had a lot of wall hangings and wall features, so we gave the directional asymmetric lights for these. Jis tarah aap ye dekh rahe hain ke the ones on the borders, they're lighting up the wall or the paintings rather than the floor, so it has a functional feel to it and it has a very clean look as well. Apart from that, they're all dimmable as well. So for that we had a process where we met with the automation team, jo Synergy in this case. This is Atiq Ahmed from Synergy Technologies, and we've had the privilege of implementing and designing the smart home solutions for this particular project. It's a beautiful one canal residence, very airy, very well lit. And the solutions that we've provided here include smart lighting, where you are able to control the lighting in the entire residence to your liking. आप अपने phone से control कर सकते हैं. आप एक button दबाकर उसको उस level पर उस mood में ला सकते हैं जो आपकी preference है, जो pre-programmed है. इसके अलावा there is curtain control, जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी कर सकते हैं, एंड ऑटोमेटिकली भी रात को जब आप गुड नाइट का बटन दबाएंगे तो वो खुद ही बंद हो जाएगा फॉर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. देन देयर इज़ द एंटरटेनमेंट एलिमेंट इन इट. देयर आर द रूम्स आर इक्विप्ड विद अ ब्यूटीफुल साउंडिंग म्यूजिक सिस्टम, जहाँ पर आप चाहें तो पूरे घर में सेम या हर शख्स इंडिविजुअली अपने कमरे में अपनी पसंद का म्यूज़िक प्लेबैक कर सकते हैं. So these are the aspects that have been covered. The system has the intelligence of knowing what time of the day it is and then respond to your needs accordingly. There are similar features here where, you know, the home has the intelligence of turning its lights on in the evening, turning them off in the morning when you don't need them anymore, and also putting the house into the security mode when you are retiring for the bed. It's been a pleasure doing this project for us, and we're very happy that we are able to contribute to the green initiative for this particular project, because with smart technologies you are able to conserve energy and also add to your comfort, convenience and your safety. It gives the residents of this particular house or any other house the added advantage to set the lights as per their mood. Agar unko dim karna hai for a particular day, so they can do it. If they have a lot of people coming over or they are entertaining people, they can have them on the full lighting mode as well. So this is one of the added features. Iske alawa we help them out with some outdoor lighting, jis tree lighting or in ground lights. उसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर अदर पीपल एज वेल टू कीप इन माइंड इज़ के द लाइट शुड बी IP65 अबव और 66 रेटेड, बिकॉज दे हैव टू बी वाटर रेजिस्टेंट. दे हैव टू मेक श्योर के दे गो थ्रू, दे डोंट गेट ऑफ ऑन लेट्स से अगर एक दो रेनिंग सीजन्स में जाके वो ख़राब ना हो जाए.
तो उसके लिए आईपी रेटिंग बहुत ज़रूरी है एंड वी हेल्प देम आउट विद द इम्पैक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज एज वेल. सो दिस हैज़ बीन द प्रोसेस ओवर हियर. आइए ऊपर चलते हैं. ये ऊपर के फ्लोर का मेन लाउंज है जी. इसमें भी अगर आप नोटिस करें कि घर में जिस जगह से भी आप दाखिल होंगे या बाहर जाएंगे तो आपको जो व्यू है वो किसी लैंडस्केप एरिया के दिखेगा या किसी टेरेस का दिखेगा या किसी दरख्त का दिखेगा. आप इस तरफ भी देखें तो ये हमसाइयों का घर इस जो हमने एक दीवार से क्रिएट की है इससे 10 फुट दूर होगा. तो कोशिश इसमें यही है कि रोशनी किसी जगह पे भी ना रुके और जो प्रिवेसी है वो पौधों से हो बनस्पत इसके कि हम पर्दे लगाते फिरें. प्रोविजन है पर्दों की. आप देखें जहाँ सीलिंग रुकती है उसके ऊपर हमने जगह छोड़ी हुई है कि आप पर्दे बेशक वो ब्लाइंड हो या स्लाइडिंग पर्दे हो उसको हम लगा सकें. ये भी ग्रीन रूफ है जी जो बाहर वाला टेरेस है और इसमें डायरेक्टली और पौधे भी लग सकते हैं, बेल भी लग सकती है. मोहम्मद अली और मैं ग्रीन सॉल्यूशन से हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं ये एरिया हमने इसको यहाँ पे नेचुरल प्लांटेशन और ग्रास यहाँ पे लगेगी. इस घर में ये दो बेसिकली एरियाज़ हैं, ये है और एक नीचे है, वो भी आपको अभी थोड़ी देर में दिखा देते हैं. इन दोनों को हमने ग्रीन किया है यहाँ पे. तो ये सेक्शन है, इसमें आप घास नेचुरल ग्रास उगा सकते हैं. कोई आपको छत पे कुट्राफ या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं. जो नेचुरल ग्रास हम ग्राउंड पे उगाते हैं वो नेचुरल ग्रास हम इस सेक्शन को ले करके तो हम छत पे उगा सकते हैं कि जिसमें कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आता. और उसके अलावा प्लांटेशन जैसे आप ये देख रहे हैं कि राशिद साहब ने काफ़ी हैवी प्लांटेशन इस सेक्शन के ऊपर की हुई है. तो ये थ्रू आउट द यूरोप ये सेक्शन यूज़ हो रहा है. इससे भी हैवी प्लांटेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. और इसकी बहुत से सिंपल सी टेक्निक है, यानी कि जितना एरिया आप देख रहे हैं ये हमने तकरीबन 3 आवर्स में, आई थिंक 3 एंड हाफ आवर्स में इसको हमने कंप्लीट कर दिया था. अपार्ट फ्रॉम सेक्शन उसके ऊपर उसके फिर स्वीट सॉइल डली और फिर प्लांटेशन जितने भी दिनों में हुई है. ये देखें जी, ये इस सेक्शन का सबसे जो प्लस पॉइंट है राफे वो ये है कि इसमें आपको किसी किस्म की एक्स्ट्रा कोई मैयज़ लेने की ज़रूरत नहीं है. आपको नॉर्मल वाटर ड्रेनेज चाहिए, जो आप छत पे नॉर्मल वाटर ड्रेनेज रखते हैं 5% स्लोप के साथ. और हाइट की आपने बात की तो इस सेक्शन की हाइट तकरीबन 1.5 इंच है. और वो मतलब उसके लिए जो नॉर्मल पैरापेट्स आप इस पे लगाते हैं छत पे नॉर्मल पैरापेट्स बनाते हैं उसके उसमें कोई एक्स्ट्रा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. बल्कि इसमें मज़ीद प्लस पॉइंट ये है कि जब आप स्लैब डालते हैं तो स्लैब के ऊपर आप कंक्रीट से उसकी स्क्रीट और स्लोप मेंटेन करने के बाद उसमें मिट्टी और टाइल डालते हैं, टाइलिंग करते हैं. तो वो आपको इस सेक्शन के बाद जो मिट्टी सेक्शन के लिए डालनी वही मिट्टी जो आपने टाइलिंग के लिए डालनी वो सेम यूज़ होगी, उसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आपको पड़ी. और जो टाइलिंग आपने करनी थी वो टाइलिंग जो है वो बीच में से माइनस होगी. तो जो एक्स नंबर ऑफ कॉस्ट इस सेक्शन की है उसमें से ये दोनों चीज़ें माइनस होकर इसकी बड़ी नेग्लिजिबल कॉस्ट रह जाती है. और जो ब्यूटिफिकेशन का एलिमेंट है वो आई एम श्योर कि आप दिखा भी रहे होंगे. और वो जो नीचे फिनिश ग्राउंड है वो भी आप दिखाएंगे कि कितना बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी ब्यूटिफिकेशन. और ये पूरी दुनिया में एक वाहिद फूल प्रूफ सिस्टम यूज़ हो रहा है कि जिसमें किसी किस्म की कोई कंप्लेन इन टर्म्स ऑफ वाटर लीकेज नहीं. जी जी, ये इस एरिया में इसी सेम साइट पे ये एक और हमने टेरेस काफ़ी बड़ा टेरेस है, इसको हमने ग्रीन किया है. और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जिस तरह आप अपने ग्राउंड में अपने घर के लॉन जिस तरह होता है ये एज इट इज़ समझे कि नीचे का लॉन उठा के ऊपर आ गया है. इस सेक्शन के ऊपर ये नेचुरल जो है ये ग्रास जो है उगी हुई है. और ये मैं स्पेशली सेक्शन लेके आया हूँ आपको, जो हमने यहाँ पे लगाया है सेक्शन ये बहुत सिंपल सेक्शन है. ये अगर इस पे फोकस कीजिएगा तो ये आप यहाँ पे छत हमें हैंड ओवर करते हैं. इसको आप एज अ स्लैब, इसको अपनी कंक्रीट की स्लैब गिन लीजिए. इस पे आप हमें छत हैंड ओवर करेंगे, उसके बाद हम इस पे 1, 2 और 3 ये 3 लेयर्स हम अप्लाई करेंगे. और आप ये जितना एरिया देख रहे हैं ये तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे में ये अप्लाई हो जाएगी. तो आप देख लें कि साउथ लाइट, ईस्ट एंड देन वेस्ट, वेस्ट ये आपको नॉर्थ की भी इनडायरेक्ट लाइट है बट बाउंस लाइट वेस्ट की भी आ रही है इस जगह पे. तो जब भी हम इस तरह का कोई घर डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम
इवेंचुअली रिन्यूएबल एनर्जी या इस तरह की एलिमेंट्स डालते हैं, उसमें सबसे पहले हमें डे लाइट से आर्टिफिशियल लाइट की रिक्वायरमेंट कम करनी है, ठीक है, कि मैक्सिमम जितनी देर तक हम घर में रोशनी ला सकते हैं इधर डायरेक्टली और इन अ शेडेड मैनर और थ्रू अ बाउंस्ड वॉल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिकंदर अमजद है। चूँकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमें दो तीन बड़े चैलेंजेस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी तमाम विंडो की जो हाइट है वो 8.5 और 9 फीट के लगभग थी, तो उसमें हमें इश्यूज दो तीन थे। एक साउंड का इशू था क्योंकि ये साइट मेन रोड के ऊपर है, तो उसमें ग्लास टोटली डबल ग्लेज भी है और टेम्पर्ड भी यूज़ हुआ है। 12 mm का एयर गैप है ग्लास में जो कि हीट और साउंड के लिए बेस्ट है, और जो लॉकिंग सिस्टम और सेसरीज हैं वो टोटली हमारी यूरोपियन टेस्टेड अप्रूव्ड है। इसके अलावा जो हमारे फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हमने टिल्ट एंड टर्न विंडो जो है एल्युमिनियम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई है। कुछ बेडरूम्स की विंडो टिल्ट एंड टर्न है, और टीवी लॉन्च की विंडो हमारी स्लाइडिंग प्रोफाइल में है जो कि पूरा स्टैकेबल है। हमारे हमें मैक्सिमम उसका जो है ना उसकी ओपननेस मिल सकती है। इसके अलावा शावर केबल्स में है, शावर केबल में टोटली हमें जो डिज़ाइन दिया गया हमने उसके मुताबिक जो है ना केबल्स को भी अप्लाई किया। ये फर्स्ट फ्लोर का किचन है जी, कॉम्पैक्ट है बट फंक्शनल है। ये इसके फ्रिजेस हैं, फ्रिज और फ्रीज़र, और इसमें एक्सट्रैक्टर कंसील्ड है, तो वो जो टिपिकली हम देखते हैं वो नहीं है। तो इसमें भी ग्रे और ब्लैक कोम्ड ओक और वाइट की कॉम्बिनेशन है। इसकी जो मुझे चीज़ बहुत बेहतर लगती है और अच्छी लगती है कि इसमें हमने टाइल्स लगाने के बजाय व्यू दिया है, तो इट्स अ लेयर्ड व्यू। आप जब भी इस पे काम कर रहे हैं तो आपको फ्रंट का टेरेस और उसके थ्रू स्क्रीन और उसके थ्रू लैंडस्केप नज़र आती है। तो आई थिंक किचन को लाइवली होना चाहिए, किचन को फंक्शनल होना चाहिए, और अगेन आर्टिफिशियल लाइट है लेकिन आपको पूरा दिन नेचुरल लाइट आ रही है, तो आपका कुकटॉप है या आपका जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो उन पर रोशनी बेहतर पड़ती है। ये इंडक्शन कुकिंग के लिए है, इलेक्ट्रिक पर चलेगा, ठीक है। इसमें वॉशिंग मशीन का एरिया है, आइनिंग है, और फिर कपड़ों को हैंग करने के लिए अलमारियां हैं जो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा लंबी वाली दिख रही हैं। ये ड्राइंग टेरेस है जी, और जिस तरह मैंने पिछले कमरे में बताया था कि ये क्योंकि साथ वालों का व्यू है तो हमने इसको स्क्रीन किया है, हम इसको पौधों से भी कवर करेंगे। इधर सी सीढ़ी जाती हैं छत पर जो कि सोलर पैनल्स और सोलर थर्मल और ग्रीन रूफ की मेंटेनेंस के लिए। मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं पब्लिक हेल्थ का काम करता हूँ, प्लम्बिंग का, और ये हार्वेस्टर सिस्टम मैंने बनाया है इधर जो कि बारिश के पानी को स्टोर करेगा। पहले बारिश का पानी छत पर गिरेगा और इस पोजीशन से आकर नीचे स्टोर टैंक में जाएगा और वहाँ से वो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होगा जो कि लॉन्स वगैरह और क्यारियों में इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी मेरा दूसरा काम जो है पब्लिक हेल्थ का, वो बाथरूम्स, किचन और लॉन्ड्रीज वगैरह का है। आई एम दी CEO ऑफ स्मार्ट होम सॉल्यूशंस। वी आर अ सोलर प्रोवाइडर एंड हमारी कंपनी सोलर सिस्टम डिज़ाइन करती है फॉर हाई एंड क्लाइंट्स। वी गो फ्यू स्टेप्स फॉरवर्ड एंड वी सी व्हाट्स इनसाइड योर हाउस, हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ योर पावर, एंड देन वी डिज़ाइन अ सिस्टम बेस्ड ऑन दैट। सो in this house we've used double glass solar panel, so inki life 25 ke bajaye 30 years hai, and then inki productivity bhi over the 30 years is about 5-7% more, which might not sound much, but over a decade or two it accumulates to be quite a substantial amount. So this house, the way we've designed it, is self-sustained. इसके अंदर इसकी जितनी भी एनर्जी कंजम्पशन नीड्स हैं वो सारी की सारी फ्रॉम दिस सिस्टम कवर होंगी। इसमें हमने ये किया है कि वी अप्लाइड फॉर नेट मीटरिंग इन एडवांस, सो बिफोर द टेनेंट्स और द
owners of the house, new owners move in, they will have about 4,000 to 5,000 units of electricity in credit. So once they move in, system will keep producing power, but for the next few months there will be no electricity bill. And then based on their consumption, most likely this system will self-sustain itself and keep providing power on an ongoing basis. This is a very dynamic system because there are no moving parts, and like I said, it's going to work every day and it's self-sustained. So there is no maintenance, there is no ongoing monitoring required, and then it will continue on for years and years to come. Okay, Ji, so we're inside the house and we've seen what the system is upstairs. Now I'll explain ke jo humne intelligent setup kiya inside the house, how does that work? Kisi bhi ghar mein aapki energy requirement jo hai is not concentrated in one area. It's during the day mostly your kitchen and your living room. At night it's the bedrooms and your TV lounge. And if you're entertaining, it's your formal and the outdoor area and the lighting. So what we've done is we've developed a system where you can channel your solar energy to the area where it's required the most. So you're not limited to ke ye ek AC ya ye char lights hain wo aapke system pe chalenge and not the rest of the house. Whichever area you're using, in case of power failure, aap battery backup se, and if it's during the day, solar power se, us area ko aap apni energy requirement ke liye utilize kar sakte hain. During the day, agar aapki power outage hoti hai and the sun is shining and you're using your living area in your kitchen, to aap simply control box se apna kitchen ka AC aur living area ka AC on kar lenge. The rest of the house is already powered by sun. So the lights, fans, your internet, your TV is always powered on. It's just the air conditioners. In a house, when you have 6, 7, 10 air conditioners, you can redirect the power to the area where you are and utilize it in that area. So aapne channel kiya living room or kitchen ka, or the area is comfortable, you don't care ki bijli hai nahi hai, you're comfortable, be it summer or winter, aap apne temperature controlled environment mein usko utilize kar rahe hain. I always say ki solar is the new AC. So just as air conditioning is part and parcel of the house when you build a new house, solar has become now that necessity. But then again, just putting any solar system does not work. It's good quality equipment and how you put it in the house. So both of these things matter, and that's where we come in as Smart Home Solutions and provide you a customized solution that maximizes the utility of your system and your investment in the house. I'll explain it a bit more. Ke agar aap pure mahine mein 2000 units of electricity consume karte hain, but you've returned more than 2000 units, even though you draw energy from LESCO at night time, during the day aapki excess power wapas ja rahi hai, to aapka net effect on your bill is zero. And that makes it a completely green building, running on green energy. My name is Javed, and I am Javed Electric. I have been working in this field for about 28 years. And when we came, we were normal wiring. Then Rasha Sahab came with us, so then Rasha Sahab started a new system, which was reference to automation. Then Rasha Sahab said, this house is coming. Then this is Kamran Sahab. फिर ये सोलर लेके आ गए, फिर ये चीज़ें सारी हमारे साथ जैसे जैसे काम बढ़ता गया चीज़ें ऐड होती गई, और हमारी कंपनी भी साथ वैसे ही वैसे बढ़ती गई, तो हम आज इस लेवल पे खड़े हैं कि अपने सारे दोस्तों के साथ कि जहाँ पे काम कर रहे हैं. किसी भी अच्छे सिस्टम की सक्सेस के लिए आई थिंक एक घर के दो सबसे क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं, द इलेक्ट्रिकल्स एंड द प्लम्बिंग. एंड आई ऑलवेज refer them as the blood pressure valves or the vessels of the house. Ek se pressure aa raha hai, ek se pressure ja raha hai. So a good electrical system is necessary for the success of any building or a house.
The challenge was to actually achieve all this without compromising the aesthetics and visual delight of the house. So when we actually started executing these things which had been decided on the paper and the baseline was already developed that we want to achieve the platinum rating and these will be the certain steps we will take to get there. So when we got into the market to find out the products and the fixtures and to execute and achieve the platinum rating, it was not an easy task. So we at some points we actually had to go back and revise and revisit the initial base points and initial assumptions we had made and redo the things and go back to the market and just keep on integrating these things. And also another challenging part is because our local labor and local craftsmen are not being trained to perform this kind of work. So this whole process was also a training process for them to actually integrate them and bring them into this process of making a green building. ये फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेड है जी। इसमें भी व्यू जो है वो फ्रेम्ड है टू द ट्री। इसमें भी ऑटोमेशन है पर्दों के लिए। अगेन कोशिश ये है कि ये वाली स्पेस ऑप्टिमाइज्ड हो ताकि हमें बाहर ज़्यादा जगह अवेलेबल हो। ये हमारा फ्रंट कोर्ट है जी। इसमें भी हमने जो हमारे राइट के बेस्ट व्यूज़ हैं उनको फ्रेम किया है, जो मज़े की स्लोपिंग रूफ्स हैं खप्रैल वाली। इसमें बोगनवेला लगी हुई है जी, ये इसके ऊपर चढ़ के और ऊपर से भी वेंचुरी घिर जाएगी। सामने स्क्रीन है, ये ट्रेडिशनल हमारे जो इस्लामिक मोटिफ है उसमें से इसकी ज्योमेट्री निकाली हुई है। ये प्रिवेसी भी देती है जी और फसाद में एक डेप्थ भी आती है। आप इसको खोल लें तो दरख्त का व्यू है, ये नीचे से इल्यूमिनेटेड है, ये जालियाँ रात को ग्लो करती हैं और आप इनको तीन चार एंगल पे एडजस्ट करके जिस तरह हम लाइटिंग से कमरे के सीन को बदल सकते हैं, इस तरह हम इनको मूव करके इसकी फील को भी बदल सकते हैं। ठीक है, परमानेंट बेंच है, वुड है, वाटर बेस्ड लैकर से है, इसमें से पानी गुजर जाता है तो उसको ख़राब होने के चांसेस कम है। अगेन अपॉर्चुनिटी है सीटिंग की, और तरीके से भी हो सकती है। बारबेक्यू के लिए वॉल है। मेरा नाम मोहम्मद सादिक है जी, हम साबर स्टील फैब्रिकेटर के नाम पे काम करते हैं। ठीक है ना जी, ठीक है जी। इन्होंने मुझे ड्राइंग दी, मैंने अपनी सारी सोच समझ के करके इनके साथ मशावरत की है कि ये जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसके अंदर कोई ब्रीक सी डंडियाँ थी, वो जो ड्राइंग पे शो कराई हैं वो कम थी। हमने CMC करवाया, वो फिर मतलब सैंपल बनाया, वो उसमें प्रॉब्लम आई, फिर इनके मशवरे के साथ हमने उसको थोड़ा सा वर्क किया, फिर इसका हमने सैंपल बनाया, वो अप्रूव हो गया। फिर इसमें जो पीछे पेंट को जुदा किया है, पेंट को हल्की बोल्ट लगाए हैं ताकि वो नीचे रस्ट ना गिरे, इस तरह करके इसका सारा पहले सैंपल बना, फिर वो अप्रूव हुआ, फिर इसके हिंज बनाए ताकि लाइफ टाइम चलें। ठीक है ना, फिर इसकी स्टे हमने डिज़ाइन की, वो करके सारा इसका मॉडल बना, मॉडल बनने के बाद ये सारी चीज़ें अप्रूव हुई हैं तो फिर हमने अपना काम जो है ना वो उसके बाद एक फिर सैंपल बना बड़े वाला बन के, फिर इधर रख के चेक किया, वो करके सारा उसका वॉल्यूम देखा है कि क्या क्या चीज़ इसमें अच्छी लग रही है, क्या लाइट है, क्या ओवर है, तो फिर उसके मुताबिक हमने बाद में सारी चीज़ों को सेटिंग किया। ठीक है ना जी, फिर इसके अंदर वो कब्जे स्टे वो सारी इसको सारी चीज़ों को बैलेंस किया। जहाँ हम खड़े हैं जी, ये हमारा सेंट्रल कोर्ट है जिसमें बेडरूम्स की खिड़कियाँ खुलती हैं। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये नीचे से सील्ड हैं, फिक्स्ड हैं और ऊपर से खुलती हैं जिस तरह ट्रेडिशनल खिड़कियाँ खुलती हैं। पहली चीज़ सेफ्टी, दूसरी ईज़ ऑफ मेंटेनेंस। इसी के लेफ्ट साइड पे हमारे पास सोलर थर्मल के यूनिट्स हैं। कोशिश ये की गई है कि ना सोलर इधर से कहीं से देखे, ना सोलर थर्मल कहीं से देखे, बट जो हमारी ग्रीन एरियाज़ हैं वो सिर्फ विजुअल ना हो, प्रोडक्टिव हो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रेहान इसार, आई रिप्रेजेंट कंस्ट्रक्टर BN प्राइवेट लिमिटेड एंड वी आर हियर टुडे going to tell you about our solar thermal hot water system, which is basically a plug and play system and a reliable solution for solar hot water. And
With this, there are some features which I would like to tell you, because it comes with a very reliable mounting system, solar thermal hot plates, and an overhead tank with a capacity of from between 200 liters up to 300 liters. And if you see here, we've cascaded both the systems together to be able to give you the complete requirement for a canal house. So now I would hand over to Engineer Saud, who's going to tell you some technical details about the system. Saud? So basically, this system works using a fluid called glycol. We don't use water in this. Basically, the glycol runs in copper tubes inside these plates, and it circulates in a closed loop in the tank above it. So basically, the water enters from one side and leaves from one side. Cold water enters from one side and leaves hot from the other side. And the glycol works through a heat exchanger, and it keeps on heating the water. So basically, it has a couple of systems installed in this, which are different from other systems that are available in the market. First of all, it has a safety system, so it prevents overpressure from the glycol side as well as the water side. इसमें मैं दो पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, important thing is utility bills are going up, be it electricity or be it gas. So we are saving precious gas by using and converting our hot water systems on solar thermal. And हम सिर्फ backup पे immersion heater लगा रहे हैं, जिस तरह साउथ ने बताया. And secondly, कॉन्स्टेंटली आपके एटमोस्फीरिक बर्नर जो गीजर्स में होते हैं वो चल रहे होते हैं, तो आपकी गैस बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है, एंड यू आर कॉजिंग पोल्यूशन इज वेल. तो एनवायरमेंटली ये इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट इज वेल. एंड सेकेंडली आपकी वाटर सेविंग भी है बहुत ज़्यादा इसमें, बिकॉज जो ही आप सिस्टम को चलाएंगे तो आपके पास गर्म पानी अवेलेबल होगा, रेदर के नॉर्मली कन्वेंशनली आप बाथरूम्स में टैप्स खोल देते हैं जी, और जब तक गर्म पानी नहीं आता तो tend to waste a lot of water. So we are saving water as well, we are saving the environment as well. तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हमने इस तरह का इंतज़ाम किया हो कि अगर ना भी बिजली आए तो हमारे पास बिजली हो, ना भी मंडियाँ खुली हों तो हमारे पास थोड़ा बहुत खाना हो, और पानी का भी इंतज़ाम हो, पानी रिसाइकल्ड बड़ी आराम से हो सकता है, स्टोर भी हो सकता है, रीयूज़ भी हो सकता है, तो हमें कॉन्शियसली ये चीज़ें करनी है. आप नज़र आ रहा है कि हवा थ्रू आउट क्रॉस हो रही है, इसमें प्लॉट की चॉइस, ठीक है, एंड ओरिएंटेशन एंड गिविंग विंड द अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली क्रॉस, सिंपल से फैक्टर्स हैं, रूल ऑफ थंब इतने मुश्किल नहीं है. इस फ्लोर पे तीन बेडरूम हैं और तीनों की कॉन्फ़िगरेशन फ़र्क है. पूरे घर के बाथरूम्स हैं, हर बाथरूम फ़र्क कॉन्फ़िगरेशन का है. इसमें हमने वार्डरोब अंदर रखी है और बाथरूम को और खोल दिया है. मिरर्स भी कस्टमाइज्ड हैं, बेसिन्स भी कस्टमाइज्ड हैं. अगेन जो पैलेट है वो ग्रे, ब्लैक, वाइट और बिट ऑफ ब्राउन है. तो इसकी जो टाइल्स हैं वो इनमें रिफ्लेक्ट करते हैं. शावर कैबिन्स खुले हैं, इनमें बेंचेस भी हैं, इनमें रेन शावर्स भी हैं. अगेन शैम्पूस की स्टोरेज है, और इनमें भी तराजों में नीचे टॉवल्स की और उनकी स्टोरेज, और नीचे फोल्डिंग फोल्डेड टॉवल्स की, बार टॉवल्स की स्टोरेज. सो प्रैक्टिकली हर चीज़ डिटेल में देखी गई है, बट इसको नॉर्म से हट के, जैसे मेटल फ्रेम में है तो इसको अलग से करके बनाया था कि इसके ऊपर पानी ना गिरे, गिर भी जाए तो यहाँ से नीचे ट्रैवल कर जाए, क्योंकि कोई ना कोई तो वाटर रन ऑफ होता है. बेसिन रोका है, स्टैंडर्डाइज्ड हैं पूरे घर में. अगेन क्योंकि पैलेट में वाइट है तो इसके साथ इसको कोऑर्डिनेट किया गया है. ऑब्जेक्टिव ये है कि टाइमलेस लगें, वार्म इनकी फील रहे, और एट द सेम टाइम थोड़े खुले और बड़े भी लगे. मेरा नाम जी जुलकरना नैदर है, मेरी कंपनी का नाम है मार्बलिंग्स. मैंने वाशरूम, किचन, विंडो फ्रेम्स, विंडो सील्स,
ये टोटल मार्बल ग्रेन एंड वर्क्स का काम किया है। मेन एंट्रेंस हिल बट्टा वो लगाया है, बाथरूमों का लगाया है, किचनों का, ये टोटल मार्बल वर्क्स कंप्लीट किया है। मार्बल इंपोर्टेड है, जो सिल बट्टा मेन एंट्रेंस पे ये पाकिस्तानी मार्बल है, बलोचिस्तान का मार्बल है ये, तो बलोचिस्तान से भी लाहौर फिर पॉलिश करके इस तरह ये कटिंग इधर लाहौर में की इसकी। उम्मीद है आप 11 बटनवुड डॉक्यूमेंट्री एंजॉय कर रहे होंगे। इस घर की फर्निशिंग और फ्लोरिंग एस अब्दुल्ला ने फराहम की है। एस अब्दुल्ला एक ऐसा फर्निशिंग ब्रांड है जो पाकिस्तानी घरों को दुनिया की बेहतरीन और मयारी प्रोडक्ट्स फराहम कर रहा है। एस अब्दुल्ला का आगाज 1920 से हुआ, यानी गुज़िश्ता 100 सालों से मयार पे कोई भी समझौता किए बगैर एस अब्दुल्ला अपने क्लाइंट्स को दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट्स फराहम करने में मावनत फराहम कर रहा है। एस अब्दुल्ला अपने क्लाइंट्स के मकानों को घरों में तब्दील करता है। एस अब्दुल्ला पाकिस्तान के मुस्तकबिल को एनर्जी एफिशिएंट और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बनाने के लिए पुरज़्म है। अभी अपने करीबी एस अब्दुल्ला स्टोर तशरीफ लाएं या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए sabdullahhome.com। इसके अलावा आप banjayega.com पर भी एस अब्दुल्ला सर्च करवा सकते हैं। स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ विद banjayega.com। और अब वापस चलते हैं 11 बटनवुड डॉक्यूमेंट्री की तरफ। ये हमारा मेन किचन है जी, जिसे हम फैमिली किचन कहते हैं, जो कि इस केस में कनेक्टेड है टू द मेन लिविंग, या इस वक्त की डाइनिंग के साथ कनेक्टेड है। स्लाइडिंग दरवाज़ा है, क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करें तो हमारे खानों में ऐसी स्मेल्स होती हैं कि जो फिल्टर थ्रू करती हैं घर पे। तो अगेन प्रैक्टिकलिटी डिमांड्स के ये डिवीजन या ये सेपरेशन हो। इसका हमने एक मूड बोर्ड बनाया था जी, वी हैड स्केच्ड इट एंड द थीम वाज वाइट ब्लैक एंड कॉपर। तो कॉपर के बेसन से हम शुरू हुए, जो सिंक से टीक का फ्लोर है जो हमने इसके साथ मैच किया है। वी सिलेक्टेड इक्विपमेंट फ्रॉम स्मेग, जिसमें कॉपर की ट्रिम्स हैं, ठीक है, एंड देन जो वुड भी है वो भी उसी टोन की जो फर्श पे भी है और जो बेंचेस की है। इसको टाई करने के लिए वी हैव दिस इज़ अ कलर, इट्स अ बिट ऑफ अ बोल्ड स्टेटमेंट, बट आई थिंक ये इस पूरे किचन को टाई करती है। और ये जो लाइट है, मेरे दोस्त हैं आसिम बख्श साहब, उन्होंने ये दी है। तो ये बिकॉज ऑफ इट्स शेप एंड स्केल इट टाइज द होल किचन टुगेदर। दिस इज़ मेरे ख्याल में 95% क्लोज टू द स्केच वी मेड ओरिजिनली, जो हमने मूड बोर्ड किया था। इसकी जो लाइटिंग है और इसकी यूटिलिटी है, छोटा किचन है ये, मेरे ख्याल में 11x17 होगा। बट अगेन ये वाले किचन है जो सिर्फ फैमिली यूज़ करती है और कम कम इस्तेमाल होते हैं, तो इसकी यूटिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये काउंटर है, कुकटॉप के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है, वर्कटॉप भी है, इस पर आप होमवर्क भी कर सकते हैं, इस पर अपना काम भी कर सकते हैं। इट्स कनेक्टेड टू द लिविंग स्पेस। और इस जगह पे जो पैनल दीवार है, इसकी दरवाज़ा है जो सर्विस किचन में जाता है, तो वो भी कंसील्ड है। सो जब आप इधर हैं तो आपको ये नहीं लग रहा कि आप लाउंज का डाइनिंग का पार्ट नहीं है, घर का पार्ट नहीं है, और सर्विस किचन अलग से है। जो कुकिंग एरिया है, अगेन ब्लैक एंड ब्रास, तो कॉपर थोड़ा हट के, लेकिन इसमें भी एक्सट्रैक्टर्स कंसील्ड हैं, इंस्टेड ऑफ के हम बाहर उस तरह से लगाएं मेटल के, उनके ऊपर मिट्टी जमती रहे, तो वो सर्फेसिस भी जो हाथ नहीं जहाँ तक जाता वो कंसील्ड है। और छत तक है इक्विपमेंट, सो ऑल्दो ये छोटा लग रहा है लेकिन इसमें स्टोरेज जो है वो कन्वेंशनल किचन से ज़्यादा है। स्टोरेज हेयर, योर स्टोरेज हेयर, स्टोरेज हेयर एंड ऑन दैट साइड। और एक ग्लास कैबिनेट है जिसमें आप अपने ग्लासेस और कुक बुक्स और एनी अदर थिंग्स विच इज़ कनेक्टेड टू द किचन आप रख सकते हैं। अदरवाइज हर चीज़ जो है वो कंसील्ड है, क्लीन है। ये जो ड्रॉर्स भी हैं कटलरी के, वो भी वाइट और नीटली स्टैक्ड हुए हैं। सो मेरे ख़्याल में ये वाले किचन जो होते हैं, इनको बहुत बड़ा होना लाजमी नहीं है, बट इनका घर से कनेक्टेड होना इन अ प्रैक्टिकल वे लाजमी है।
जी, दिस इज़ आबद महमूद फ्रॉम SMC लिविंग। किचन जहाँ हमने किए हैं, मेन किचन किया है, ऊपर किचनेट भी किया है और वेरी डिफरेंट किचन है। एक्चुअली द होल आइडिया राशिद साहब का था कि ही वॉन्टेड समथिंग वेरी डिफरेंट और आर्टिस्टिक सा किचन हो, किचन भी हो, किचन ना भी लगे और पार्ट ऑफ लिविंग हो। तो वी डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स कॉन्सेप्ट्स एंड फाइनली वी केम अप विद दिस वन वेर वी कैप एवरीथिंग वेरी सिंपल एंड एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड। वी यूज बेसिकली टू वॉल्स, ये वाली एंड द अदर वन, एंड वी टुक द कैबिनेट्स अप टू सीलिंग एंड देन कलर स्कीम द राशिद साहब वांटेड, लाइक ही वांटेड टू गो फॉर वाइट्स एंड ब्लैक एंड देन ही वांटेड टू यूज वुड टू गिव द वार्मथ इन द किचन। इसका जो एसेंस था फिर हमने कैबिनेट्स में भी यूज़ किया, ग्लास कैबिनेट्स में वहाँ देखेंगे आप। देन वी यूज दिस क्वार्ट्ज मटीरियल हियर व्हिच इज लाइक वेरी न्यू इन द इंडस्ट्री नाउ और इट्स लाइक स्क्रैच प्रूफ, इट्स बैक्टीरिया फ्री एंड देन वी यूज दिस मैक ब्लैक अप्लायंसेस व्हिच हैज दिस अ लिटिल एसेंस ऑफ गोल्ड एंड कॉपर which is going really well with the theme of the house. And then, and plus this collection is actually is SMEG latest Dolce Still Nova series. पहले तो इसका बनाते हैं, वाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट को मिक्स करते हैं, इसकी रेशो होती है 2:1 की, वो उसमें मिक्स करके अच्छी तरीके से उसको मिक्स करते हैं, फिर वो मटेरियल तैयार हो गया। उसके बाद में सैंड होती है, सैंड इसके अंदर डालते हैं, वो भी 2:1 का बनता है। ठीक है, ये प्रोसीजर हो गया इसका मटेरियल। आगे है जो इसका करने का तरीका ये है, जो फट्टे हमारे होते हैं उनको बर्नर करके उसके ऊपर इसको बिल्कुल ग्रेन बनाते हैं, जो कि इसके ऊपर आने होते हैं। ग्रेन बनाने के लिए वो भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, वही काम है उसको, जैसे एक चीज़ को डाई बनाते हैं वो डाई की शक्ल में आ जाती है, वो बन गई। नंबर दूसरा हो गया। नंबर तीसरे पे इसके पे जो दीवार होती है ना, दीवार को पीछे नट जाली लगानी पड़ती है, जो ज्वाइंट जाली होती है। ज्वाइंट जाली का मकसद ये है ताकि ये अगर पीछे से कोई इसको टम्परेचर के हिसाब से छोड़ती चीज़ तो इसको वो छोड़ने नहीं देती, वो इसकी ग्रिप में ही रहती है और जब तक ये बिल्डिंग रहेगी इंशाल्लाह वो भी रहेगी, तो ताकि वो उसकी इतनी मजबूती है। नंबर तीसरे पे इस पे जो है ना, वो ज़्यादातर इसको सर्दियों के मौसम में करें तो वो बहुत ही बेहतर है। अगर सर्दियों में ना हो सके तो जब गर्मियों में हम कर रहे हों तो बाहर की जो रिटेनिंग वाले हैं अगर उनके ऊपर करना हमने, तो वो उनका प्लास्टर साथ ही हो जो कि इसकी ग्रिप को ज़्यादा मजबूत करता है, क्योंकि ये जब गर्मियों में करते ना हीटअप की वजह से ये फट जाते हैं, तो जो फटा होता उसका रिज़ल्ट नहीं सही आता, वो लाने लाने क्रैक क्रैक नज़र आते हैं, वो गिर भी जाते हैं, चाहे आप नेट की जाली लगा भी लें फिर भी वो अगर कुछ चीज़ से खटखटाएंगे तो वो आवाज़ आएगी इसकी। तो जैसे हमने इसको किया हुआ नवंबर दिसंबर में, उस हिसाब से ये अभी हमारा इंशाल्लाह इसको कोई मसला नहीं है, सारी ज़िंदगी ये बिल्कुल लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा, तो ये ख़राब नहीं हो सकता इंशाल्लाह, ये इसका प्रोसीजर है। कंक्रीट फिनिश है जी, कंक्रीट फिनिश इसे बोलते हैं, फट्टा वर्क भी बोलते हैं जो आगे होता है छपाई का। और ये मैंने अंदर एक दीवार की हुई है और बिल्डिंग के बाहर भी फ्रंट और राइट साइड की हुई है। इस वाले फ्लोर में जो ग्राउंड फ्लोर है, ड्राइंग डाइनिंग लाउंज और किचन और सर्विस किचन और दो बेडरूम्स हैं। तो जो ये बेडरूम है इसको हमने एज अ स्टडी इसका फिट आउट किया है। अगेन कि इसमें जो पॉसिबिलिटी है रूम की कन्वर्जन की, और क्या इस किस्म की स्पेस में एक प्रॉपर स्टडी आ सकती है कि नहीं। तो ये डिज़ाइन भी इस तरह से है कि आपके पास एक पूरी दीवार यहाँ अवेलेबल है, दीवार अगर बुक शेल्फ लगानी है या इवन अगर कोविड के दरमियान आप इसको एज एन ऑफिस यूज़ करना चाहते हैं, होम ऑफिस, तो इसमें सारी वो चीज़ें नेटवर्क और प्लग्स शामिल है। तो ऑब्जेक्टिव अगेन ये है कि आप उस घर में किसी कमरे को, जब तक आपको ज़रूरत है, अगर आपको 4 बेड की या 5 बेड की ज़रूरत है तो आप 5 बेड इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो उसको आप किसी और चीज़ में अडेप्ट कर लें। सो
is a quite a comfortable size again for a study as well as a bedroom. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर आसिफ मलिक है और मेरा ताल्लुक लाइट पेंट इंडस्ट्री से है, गोबीस पेंट से. ये जो एक प्रोजेक्ट था 11F बटन वुड, इसको मैंने जब देखा तो आई वाज हाईली इंस्पायर्ड. इवन व्हेन आई मेट मिस्टर राशिद रशीद बिफोर, तो उससे पहले ही मैं काफ़ी कन्विंस था उनकी जो आर्किटेक्चरल जो एक्सपर्टीज़ हैं. तो मुझे तो खैर इस प्रोजेक्ट का आते जाते नज़र तो आता रहता था. मुझे तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी, क्योंकि मुझे जब पता चला कॉन्सेप्ट का कि ये दिस इज़ बेसिकली प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग बेसिकली, तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अमंग द टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन पाकिस्तान पेंट मैन्युफैक्चरिंग और वी हैव वेरियस कोटिंग्स विच कैन सपोर्ट एनर्जी एफिशिएंसी एंड ग्रीन बिल्डिंग. वी आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, तो हमारे पास भी कुछ आइडियाज़ थे. तो मैं राशिद साहब से मिला और मिलके मैंने उनसे बात की कि अगर वो हमें एक मौका दें कि हम उनके इस प्रोजेक्ट में अपनी कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकें जिससे सन रिफ्लेक्शन बेसिकली हो, हीट रेजिस्टेंस कुछ ऐसे हो कि आपका अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल हो, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में अब हर चीज़ अवेलेबल है. तो राशिद साहब वॉज वेरी वेरी काइंड इनफ एंड ही ऑफर्ड अस द प्लेस एंड वी प्रोवाइडेड हिम ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड ही चोज अ फ्यू प्रोडक्ट्स आउट ऑफ दोज. तो बेसिकली ये कि मैं समझता हूँ कि आई होप एंड आई विश के इस प्रोजेक्ट के को देख के और बहुत से जो लोग हैं ऐसी इंडस्ट्री से जो कनेक्टेड हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे आएँ, ताकि एक तो हम वैसे एनर्जी क्राइसिस में हैं पिछले 50-60 साल से, जब से हम देख रहे हैं तब से हमारे पिछले भी यही एनर्जी क्राइसिस को ही देखते आ रहे हैं और आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो कामयाब हो बेसिकली. And I wish the very best of luck to Mr. Rashid Rashid and Mr. Saad Mahmood as well. So the last thing I want to add is about when we talk about green and sustainable architecture, and especially in case of residential buildings, a house should actually feel like a home and not feel like a sci-fi laboratory. So this is possible to have a green and sustainable house, and it actually feels like a home. Longevity, experimentation. And risk.